ग्लोबल हाईटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नई ट्रेड शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो थ्योरी है, ठीक है, क्या है जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निमी वाला कौन सी 500 क्वेश्चन की सीरीज के नाम से, ठीक है, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन होंगे आपके और निमी के द्वारा जो दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। काफ़ी मैंने देखा कमेंट आ रहे थे, कई बार बीच में कॉल भी आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी करवा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी करवा दीजिए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी बीच में जो थोड़ा टाइम निकाल करके जितना क्वेश्चन हो सके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो सेफ्टी वाले से है, कौन से चैप्टर से, सेफ्टी वाले से। इसीलिए जो 25-30 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के सेफ्टी वाले चैप्टर थे, वो वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो भी 2-3 पार्ट में होगा। उसके बाद जो आगे के आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल के पोर्शन है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो जो है विवेक सर और जो इलेक्ट्रिशियन के सर हैं वो दोनों लोग मिलकर के रोहित सर हैं, ठीक है, तो विवेक सर और रोहित सर मिलकर वो लोग आगे के क्वेश्चन कराएंगे, और जो स्टार्टिंग वाला है जो सेफ्टी वाला है वो वाला चैप्टर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका पीडीएफ जो होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.globalitei.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, जब वेबसाइट को आप ओपन करेंगे globalitei.org ऐसे आपका वेबसाइट ओपन होगा, आपका फोन होगा तो उसमें राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, आपको इन लाइनों पर क्लिक करना। जैसे आप इन लाइनों पर क्लिक करेंगे ना तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, कोर्स, सरकारी नौकरी, आपको कोर्स पे क्लिक करना है। जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें नीचे होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नया टाइप खुलेगा, इस टाइप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकंड ईयर, और यहीं पे फर्स्ट ईयर का भी आ जाएगा। अभी फर्स्ट ईयर जो है वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक यहाँ पे उसका सेक्शन भी बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना और आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अभी स्टार्ट किया है तो आप कोशिश करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मतलब आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के हैं या फिर आप अदर ट्रेड के, आपका फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो बेनिफिट उठा सके और हमें भी फायदा हो, थोड़ा व्यूज आए, ठीक है, क्योंकि यार तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में जब थोड़े कमेंट्स आएंगे और व्यूज आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। शिफ्टिंग उपकरण मतलब किसी भी इक्विपमेंट को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारा उपकरण है, मशीन है, जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा पैर का अंगूठा होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। स्टील की टोपियाँ, स्टील टू कैप्स, या फिर प्लास्टिक की टोपियाँ, रबड़ की टोपियाँ, चमड़े के पैर की टोपी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पैर का अंगूठा होता है ना उस पर हम लोग एक टोपी टाइप का ऐसे बना होता है, कवर टाइप का, आपके अंगूठे के साइज के हिसाब से ऐसे इसमें होल रहता है, इसको अंगूठे पे चढ़ा लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी मशीन को जब उठाते हो, मशीन को क्या करोगे आप उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे, या उपकरण जो भी इक्विपमेंट है उसे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है अक्सर रखते समय हमें नीचे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम ऐसे सामान को पकड़ रखे होते हैं, इक्विपमेंट को पकड़ रखे होते हैं, जब हम उसको रखते हैं तो डर होता है कि हमारे अंगूठे पर न पड़ जाए। आप पैर ऐसे आगे बढ़ा रखे हो, आप पता चला अचानक से हाथ से छूट गया, या आपने धीरे से रखा, पता चला आपका पैर नीचे है, अंगूठा उसके नीचे आ जाएगा, अगर उसका जो बेस है वह धारदार है तो आपके अंगूठे में अंगूठा कट सकता है, या फिर वजनदार है तो अंगूठा दब करके उसमें चोट लग सकती है। इसीलिए हम उस अंगूठे पे क्या करते हैं, स्टील की टोपी, किसकी भाई, प्लास्टिक, रबड़ या चमड़ा, प्लास्टिक होगा या रबड़ होगा या चमड़ा होगा तब तो वो दब जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा पहनने का ना, अगर आप उसे अपने अंगूठे पे चढ़ाते भी हो तो जब कोई धारदार चीज रखी जाएगी तो प्लास्टिक हो या रबड़ हो या चमड़ा हो तो कट जाएगा, उसके बाद आपके अंगूठे काट देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए किसका, स्टील की टोपी, वह स्टील का होगा, उसको आप चढ़ा रखे होंगे तो अगर कोई चीज़ आपके अंगूठे पे पड़ेगी तो वह स्टील उसको रोक लेगी, तो आपके अंगूठे को चोट पहुंचने से बच जाएगा। तो आई बात समझ में, तो इसमें रटने वाली चीज़ तो है नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, ये सब तो चीज़ें कोई भी होगा दबा देगा तुरंत दब जाएगा, आपके अंगूठे पे चोट लग जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टील की टोपी होनी चाहिए जो कि हमारे पैर के अंगूठे को सुरक्षित रख सके। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज़ और आपको यार कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कैसी आपको वीडियो लगी, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा कि भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए अगला कह रहा है, हाउ द गैस एंड लिक्विड गैसेज आर क्लासिफाइड, गैस और तरल गैसेज को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। गैस
और तरल गैस, ठीक है, जो भी गैस होती है उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। दरअसल ये आग के प्रकार हैं, हमने जो आग है ना उसे अलग अलग टाइप में बांट रखा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में किसको रखते हैं, क्लास ए फायर उसे कहते हैं जब लकड़ी कागज कपड़ा, कोई भी ठोस पदार्थ लकड़ी कागज कपड़ा में जब आग लगता है तो उसे क्लास ए में रखा गया है। किस में रखा गया है, क्लास ए में। यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपका समय जाए, बट मैं आपका ना आग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आराम से कर पाओ। तो क्लास ए जो होती है हमारी ना, तो क्लास ए में जो भी आता है जैसे कि लकड़ी कागज, मतलब जो भी ठोस पदार्थ में आग लगते हैं, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, इनमें जो भी आग लगेगा तो यह क्लास ए में रखा गया। किस में रखा गया, क्लास ए में। क्लास बी में किसको रखा गया, जो लिक्विड, जब लिक्विड में आग लगती है, लिक्विड मतलब पेट्रोलियम पदार्थ में, ठीक है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मतलब ऑयल में एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, मतलब ऑयल में जब हमारा, ठीक है, जब ऑयल में हमारा आग लगता है, किसमें, ऑयल में, लिक्विड में, तो वो क्लास बी में रखा गया। क्लास सी में गैस को रखा गया, किसको, जब किसी गैस में आग लगती है तो उसको क्लास सी में रखा गया। क्लास डी में जब विद्युत के द्वारा आग लगे, किसी विद्युत इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, विद्युत उपकरण में आग लगती है तो उसको हम लोग क्लास डी में रखते हैं, या फिर मेटल में आग लगे, इलेक्ट्रिक या फिर मेटल, मतलब विद्युत उपकरण या मेटल में जब आग लगती है तो उसको क्लास डी में रखा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब किसको किस में रखा गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे आएगा कि अब क्लास ए में ये हो गया, अब उस क्लास ए की आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। एक्सटिंग्यूशर होता है आपका फायर एक्सटिंग्यूशर, आग बुझाने वाला यंत्र। तो कौन सा, जैसे क्लास ए में आग लगेगी, मतलब लकड़ी कागज कपड़ा में आग लगेगा, तो कौन सा एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे पानी के बौछार यूज करते हैं, पानी के जेट का स्प्रे करते हैं, या पानी का बौछार यूज किया जाता है क्लास ए की आग बुझाने के लिए। क्लास ए की आग मतलब अगर लकड़ी कागज कपड़े वगैरह में आग लगती है। क्लास बी में, क्लास बी में हम फोम टाइप वाला एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं, कौन सा, फोम टाइप, ये ध्यान रखना, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया जाता है, या फिर ड्राई पाउडर, सूखा चूर्ण भी यूज करते हैं। किसमें, क्लास बी की जब आग होती है। ये सब चीजें आप एक जगह नोट कर लेना, बहुत सही चीज आपका क्लियर होने वाला है। जब गैस में आग लगती है तो हम स्पेशली ड्राई पाउडर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ड्राई पाउडर, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक में आग लगती है, जब इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगती है तो हैलोन एक्सटिंग्विशर, क्या, हैलोन एक्सटिंग्विशर, या फिर एक बहुत ही फेमस है सीटीसी, जिसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी या हैलोन एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक के लिए। CO2 का भी यूज कर लेते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर लेते हैं, CO2 का भी यूज कर लेते हैं इसका आग बुझाने के लिए। तो आपको मेन देखिए, ध्यान रखिए कि क्लास ए की आग बुझानी है लकड़ी कागज कपड़ा वाला तो पानी का बौछार यूज किया जाएगा। अगर आपको क्लास बी की आग बुझानी है जैसे लिक्विड पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, तो इसमें मेन आपका ये वाला है फोम टाइप, आप पहले किसको सही करोगे, फोम टाइप, जे ऑप्शन में नहीं होगा तब आप CO2 या ड्राई पाउडर पर जाओगे, लेकिन मेन कौन सा है क्लास बी के लिए, फोम टाइप वाला। जब क्लास सी की बात करेगा तो ड्राई पाउडर स्पेशली, और जब क्लास डी की बात करेगा इलेक्ट्रिक या मेटल में तो हैलोन एक्सटिंग्विशर या CTC होता है या CO2 होगा, मेन इसको हैलोन या CTC, CTC सबसे ज्यादा रहता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या पूछा था, गैस और तरल, तो गैस के लिए कौन सा है, क्लास सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन तो क्लियर ही हुआ, इसके साथ मैंने और भी चीजें बता दी जो अभी आपको आगे देखिए काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए, क्लास सी प्रकार की, क्लास सी में कौन सा आएगा, गैस वाला आएगा, अभी हमने देखा क्लास सी में गैस वाला आ रहा था, तो उस आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाएगा, मैंने बताया था गैस वाले के लिए ड्राई पाउडर, सूखा चूर्ण, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्राई पाउडर। फोम टाइप किसके लिए होगा, तो क्लास बी के लिए होगा, क्लास बी मतलब जो लिक्विड वाला था, जो पेट्रोल केरोसिन में जो आग लग रही थी, यही था ना, द्रव वाला, पानी का जेट क्लास ए के लिए यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया था किसके लिए, क्लास ए के लिए, फोम टाइप वाला, यहां मैं लिखना भूल गया, क्लास बी के लिए, ठीक है।
ड्राई पाउडर क्लास सी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह क्लास डी में भी यूज होता है और क्लास बी में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा वहां पे क्या दिया हुआ है, क्लास बी में भी यूज कर लेते हैं और डी में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट चलते हैं। देखा आपने पीछे वाले से चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए, इसीलिए मैंने एक ही जगह बता दिया था। देखिए फिर वही पूछ रहा है, क्लास ए प्रकार की अगर आपको आग बुझानी है तो किस अग्निशामक का, किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाएगा। तो क्लास ए वाले की आग बुझानी है, ठीक है। तो क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए जो है हम आपको बताए थे पानी का जेट, पानी का बौछार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोम वाला क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए ड्राई पाउडर क्लास सी के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, बी के लिए भी और डी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा, ठीक है, अनिवार्य संकेत का पूछ रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग हमें इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मेरी आईडी है ग्लोबल ITI _ अभी, ठीक है। इस नाम को आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी, और जिसका मन वो फॉलो कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये तो बाहरी चीज़ें हो गई, चलिए हम लोग काम की बातें करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनिवार्य संकेत। देखिए हमारे अलग अलग टाइप के सिंबल बनाए गए थे, मैंडेटरी कहते हैं अनिवार्य वाले को, मैंडेटरी सिंबल जो होता है और अनिवार्य वाला जो होता है, ठीक है, मैंडेटरी साइन, और एक प्रोहिबिशन होता है जिसे निषेधात्मक बोलते हैं। मैंडेटरी का मतलब हो गया अनिवार्य, मतलब जहां पे मैंडेटरी साइन बना हुआ है मतलब वह काम करना ही है, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्रोहिबिशन, निषेधात्मक, मतलब अगर जहाँ पे निषेधात्मक है, प्रोहिबिशन है, तो उसका मतलब हमें वो काम नहीं करना है और मैंडेटरी वाला करना है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो अनिवार्य संकेत का आकार क्या होता है, तो गोल होता है, सर्कुलर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो मैंडेटरी साइन होता है ना वह गोल आकार में होता है, और आपका प्रोहिबिशन मतलब जो निषेधात्मक होता है वह भी गोल आकार में होता है। मतलब अनिवार्य संकेत जो होता है, मैंडेटरी वाला जो होता है, और जो निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक का मतलब यह काम नहीं करना है, उसका सिंबल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बीड़ी वाला सिंबल अक्सर हर जगह बनाया जाता है, तंबाकू वाला बीड़ी को बना देगा, आपका जो सिगरेट है सिगरेट बनाएगा, बीड़ी छोटी सी सस्ती वाली होगी ना, सिगरेट हो गया, सिगरेट बनाता है, और वहां पे क्या करता है, लाल कलर का घेरा लेकर के क्रॉस कर देता है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, ठीक है। तो निषेधात्मक मतलब वहां पे मना किया जा रहा है, वो निषेधात्मक वाले में आ जाता है। अनिवार्य वाले में कि यह काम करना ही है, इसमें क्या होता है, जैसे कहीं पर दोनों गोल, दोनों की आकृति क्या होती है, गोल ही होती है, और निषेधात्मक हो गया और मैंडेटरी हो गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यहाँ पे अनिवार्य वाले का क्या होगा, यह भी गोल होगा, लेकिन अनिवार्य वाले में गोल सर्कल होगा, और उसमें क्या होगा, बीच में मान लीजिए क्या बना दिया गया, ऐसे ऐनक बना दिया गया, ठीक है। और ये जो गोला होगा, गोले का जो बैकग्राउंड होगा वह किस कलर का होगा, जो बैकग्राउंड होगा वह ब्लू कलर का होगा, किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। और ये जो चिन्ह बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा व्हाइट कलर से, किस कलर से, व्हाइट कलर से, किसमें, अनिवार्य वाले में। तो यहाँ पे अगर कहीं पे गोला बना करके चश्मा बना दिया गया, इसका मतलब है कि उस जगह पर आपको चश्मा पहन करके जाना अनिवार्य है। कहीं पर ऐसे ही क्या होता है, गोला बना होता है, ब्लू कलर का पूरा बैकग्राउंड होता है, उस पर व्हाइट कलर से आकृति बनाई जाती है, मतलब चश्मा व्हाइट कलर से बनाया जाएगा और पूरी बैकग्राउंड इसका ब्लू रहेगा। और कुछ जगहों पर क्या होगा, व्हाइट कलर से टोपी बना दी जाएगी, हेलमेट बना दिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हेलमेट पहनना अनिवार्य, मतलब अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो बिना हेलमेट पहने नहीं जा सकते। तो यह हो जाता है हमारा क्या, मैंडेटरी अनिवार्य वाला सिंबल। निषेधात्मक में क्या होता है, यह भी गोल कलर से ऐसे होता है, तो यह जो गोल बॉर्डर होता है ना इसका, यह रेड कलर से होता है, और इस पर क्रॉस डंडी ऐसे की गई होती है, काट दिया जाता है, यह पूरा रेड कलर का होगा, जो यह बाहरी हिस्सा है और यह जो क्रॉस किया गया है। उसके अलावा जो, ठीक है, निषेधात्मक वाला ना, ये हो जाएगा आपका, और इसका जो बैकग्राउंड होगा, इसमें बैकग्राउंड ब्लू कलर का था, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, इसका जो बैकग्राउंड रहेगा व्हाइट ही रहेगा, कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा। जबकि इसमें जो आकृति बनेगी, जैसे कि जो सिगरेट बना हुआ था कि भाई सिगरेट पीना मना है इस टाइप से, ठीक है, और सिगरेट से आपका धुआं निकलता रहता है ना, तो इसे सिगरेट बना दिया जाता है और इसको क्रॉस कर दिया, जो सिगरेट मतलब जो आकृति बनाई जाती है, यह किस आकृति होता है, यह ब्लैक कलर से बनाई जाती है, व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर की आकृति से सिगरेट बनाया जाएगा, और इसका जो
यह आकृति बाहरी घेरा है वह रेड कलर से रहेगा और जो क्रॉस किया गया है वह भी रेड कलर से रहेगा। तो यह जो होता है हमारा यही होता है निषेधात्मक का, मतलब मना किया जाता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, ठीक है। तो इस टाइप से सिंबल दिखाया जाता है, या फिर आदमी बना दिया जाता है क्रॉस कर, क्रॉस करने का मतलब है कि यहाँ पर एक काम करना मना है, काट दिया गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा अनिवार्य वाला। दोनों का कैसा है, आकृति गोल है। तो यहाँ पे हमसे अनिवार्य वाला पूछा था, मैंडेटरी का भी गोल है, निषेधात्मक का भी गोल है। स्क्वायर किसका होता है, देखिए स्क्वायर या आयताकार या दोनों आकृति, स्क्वायर या आयताकार हमारा इंफॉर्मेशन सिंबल का होता है। किसका होता है, इंफॉर्मेशन। मैं यहां भी दो तीन क्वेश्चन का एक ही जगह बता दूंगा, इंफॉर्मेशन साइन जो होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचना, सूचना वाले जो चिन्ह होते हैं इंफॉर्मेशन साइन होते हैं वो आयताकार आकृति में बनाए जाते हैं। कैसे, आयताकार आकृति में इस टाइप से, और फिर अंदर प्लस बना दिया जाता है, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। अगर कहीं पर ऐसे बना हुआ है तो आप समझ जाते हैं क्या कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, देखते हैं ना, जो भी एम्बुलेंस वगैरह होती है प्लस बना होता है, इसका मतलब हॉस्पिटल से संबंधित है, आपका एम्बुलेंस से संबंधित है। तो जो यहाँ पे हॉस्पिटल होता है तो प्लस वाला सिंबल रहता है। इसमें क्या होता है, आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, ठीक है, आपका इसमें जो बैकग्राउंड होगा यह होगा आपका, सॉरी, इसका जो बैकग्राउंड होगा यह होगा आपका ग्रीन कलर से, और जो आकृति बनी होगी, मतलब जो प्लस वाला आकृति बना हुआ है यह किस कलर से होगा, तो यह होगा व्हाइट कलर से। आई बात समझ में, बैकग्राउंड इसका ग्रीन कलर से आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह पे, और जो आकृति होगी वो व्हाइट कलर से होगी। तो यह किस में आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन साइन वाले में, सूचना वाले में, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका, तो वर्ग और इंफॉर्मेशन वाला दोनों इसमें आ जाता है। मैंडेटरी और प्रोविजन जिसे निषेधात्मक बोलते हैं, प्रोविजन सिंबल हो गया, ठीक है, और ये मैंडेटरी वाला हो गया, तीन हो गया आपका। उसके बाद एक और होता है आपका ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर है आपका यह वार्निंग सिंबल होता है। किसका होता है, वार्निंग सिंबल होता है, जो वार्निंग सिंबल होते हैं, वार्निंग देने वाले या वार्निंग सिंबल के ये या साइन के ये, या कैसे होते हैं, या त्रिभुज वाले आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिभुज वाले, जहां पे वो आपको सचेत करता है एक तरह से, ठीक है, वो आपको वार्निंग देता है कि भाई इधर ये काम नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के जो खंभे होते हैं उस पर त्रिभुज की आकृति का ऐसे होता है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, तो बैकग्राउंड इस पर, इसका बैकग्राउंड जो होगा, बैकग्राउंड जो होगा वह येलो कलर का होगा। किसका होगा, येलो कलर का। और जो आकृति इसमें बनी होगी, आकृति अक्सर ऐसे बना देता है, खोपड़ी टाइप का इंसान बना देता है ना, देखोगे आप बिजली वाले में ऐसे ऐसे खोपड़ी टाइप का बना देता है और दो हड्डियां ऐसे ऐसे बना देता है यहाँ नीचे, ठीक है। तो यह कहाँ लगा होता है, और ये जो आकृति बनाई जाती है इसकी आकृति किस कलर की होगी, तो आकृति होगी ब्लैक कलर से। कौन से कलर से, ब्लैक कलर से। आई बात समझ में, ब्लैक। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज होगा तो किसका होगा, त्रिभुज हमारा वार्निंग सिंबल होगा, जो वार्निंग देगा, ठीक है। इसमें जो आकृति होगी वो त्रिभुज की आकृति की होगी, इसका बैकग्राउंड येलो, और जो आकृति बनेगी वो ब्लैक कलर से। तो आप देखते हैं जहाँ पे बिजली 400 वोल्ट वाली बिजली जा रही होती है उसके जो खंभे होते हैं, तो उस पर इस टाइप से त्रिभुज का एक टीन सेट टाइप का टांग दिया जाता है, और उसकी जो बैकग्राउंड होती है येलो होता है, और आकृति ब्लैक कलर से बनी होती है, और वो हमें कहता है कि भाई यहाँ पे क्या है, खतरा है, 440 वोल्ट का लाइन जा रही है, यहाँ पे आपको खतरा है। तो वह हमें ऐसे, और या फिर कहीं पर केमिकल वगैरह का है तो वहाँ पर भी इस टाइप से किया जाता है। तो जहाँ पे खतरा रहता है तो उससे हमें क्या करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, सचेत करने के लिए इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। तो मैंने सारा आपको बता दिया यहाँ पे, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम ना कि आग लगती कैसे है। जब आप ये जान जाओगे आग लगती कैसे है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि आग बुझती कैसे है। जैसे आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, और क्या चाहिए भाई, ईंधन रहेगा तो आग लगेगी नहीं, उसके लिए हमें टेम्परेचर, ताप, भाई माचिस लगाते हैं तब तो आग लगती है। माचिस से आग क्यों लगती है, क्योंकि माचिस उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आग लग जाएगा। तो मतलब हमें टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, और क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन,
भाई अगर वायु या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कभी भी आग नहीं लगेगी। आपने सुना होगा कि पहले भी कि जो दिया वगैरह जलती थी पहले के समय में, अगर दिए को किसी चीज से ढक दिया जाए, जब उसमें वायु प्रवेश ना कर, मतलब उसे हवा ना मिले, तो दिया बुझ जाती थी। तो हम पढ़ते थे पहले बचपन में साइंस वगैरह में, क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता था, इसलिए दिया ढकने पर बुझ जाती थी। तो वही चीज है, आग कब लगेगी? जब ईंधन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें होंगी तभी आग लगेगी। अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित है, एक भी चीज नहीं है, तो कभी भी आग नहीं लग सकती। मतलब आपको कोई लकड़ी दे दे और ऑक्सीजन दे दे, लेकिन आपके पास उसे उसका टेम्परेचर वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ है ही नहीं साधन जिससे कि भाई वो आग लगे। हर चीज का टेम्परेचर होता है ना कि इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा तभी वो जलेगा। तो आपको फ्यूल मिल गया, मतलब ईंधन मिल गया, ईंधन के रूप में कागज, लकड़ी, तेल, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी है अवेलेबल, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, आग नहीं लगेगी। या फिर आपको टेम्परेचर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, भाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास ईंधन ही नहीं है तो आप जलाओगे क्या? तब भी आग नहीं लगेगी। या फिर आपको फ्यूल मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तब भी आग नहीं लगेगी। मतलब तीनों चीजें होना जरूरी है। और यहाँ बात कर रहे हैं आग बुझाने की, तो आग कैसे बुझेगी भाई? तो अगर इन तीनों में से ये तीनों चीजें होंगी तभी तो आग लगी होगी। यहाँ कह रहे हैं आग बुझाना है हमें, इसका मतलब वहां पे आग पहले से लगी हुई है। आग कैसे लगी होगी? वहां पे तीनों चीजें अवेलेबल होगा। अगर हम इन तीनों में से एक को भी अनुपस्थित कर दे, एक को भी निकाल दे, तो आग बुझ जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये तीनों है तभी आग लगी हुई है। तो इस चीज को समझिएगा आप, अब समझ में आएगा। कह रहा है कि आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग, देखिए क्या होता है, एक तो था शीतलक, शीतलक से क्या होगा, कूलिंग। मतलब अगर हम कहीं पे कूलिंग करेंगे, कूलिंग का मतलब है ठंडा, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। अगर कहीं आग जल रही है उस पर आपके पानी का बौछार दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और आपको मालूम है अगर टेम्परेचर खत्म हो जाएगा तो मतलब तीन चीजों में से टेम्परेचर अनुपस्थित हो गया, टेम्परेचर खत्म हो गया, आग बुझ जाएगी। तो जब हम पानी का बौछार, मतलब कूलिंग, जब पानी का बौछार करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग कब बोलेंगे, स्टीयरिंग तब बोलते हैं जब हम ईंधन को, मतलब कहीं पर आग लगी होगी तो तीनों चीजें उपस्थित होगा तभी आग लगी होगी। तो इन तीनों चीजें, मतलब इन तीनों में से हम ईंधन को बाहर निकाल ले, क्या करें, ईंधन को बाहर जब निकाल ले, ईंधन को अगर हम इनमें से बाहर निकाल लेंगे तब भी वहां आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग लगने के लिए तीनों होना जरूरी है। भूखमरी का मतलब क्या, उसे खाने के लिए मिले ही ना, मतलब उसे जलने के लिए कुछ मिले ही ना एक तरह से। तो वही है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब उसे खाने के लिए मिलेगा ही, मतलब ईंधन रहेगा ही नहीं तो जलेगा क्या। तो वही होता है कि जब आग लगी होती है हम उसमें से ईंधन को बाहर निकाल लेते हैं, या कह लीजिए जो फ्यूल वहां पे जा रहा है जिसकी वजह से आग लगी हुई है, हम उस फ्यूल को ही रोक देंगे। जहां से फ्यूल जा रहा है भाई, वहां फ्यूल गिर रहा है, वहां पे आग लगी हुई है, अब उस फ्यूल की सप्लाई को ही बंद कर दीजिए, ना वहां ईंधन जाएगा ना आग लगेगी। तो मतलब हम ईंधन को भी रोक करके आग को बंद कर सकते हैं। तो जब ईंधन को रोक करके, ईंधन को हटा करके या ईंधन को रोक करके आग को बंद किया जाता है तो उसे स्टीयरिंग बोलते हैं। आई बात समझ में, शीतलक क्या हुआ, स्टीयरिंग क्या हुआ, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है हवा को रोकना, हवा को, स्मूथरिंग का मतलब होता है हवा को रोकना। ठीक है, हवा कैसे रुकेगी, हवा जब रुक जाएगी मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाना, हवा ऑक्सीजन ही तो है। एक में हमने टेम्परेचर को डाउन किया तो कूलिंग हो गया, फ्यूल को निकाल करके, मैंने बताया ना तीन चीजें हैं, तीनों में से एक भी एब्सेंट हुआ तो आग नहीं लगेगी। फ्यूल को जब निकाल करके हमने बंद किया तो हमने उसको बोला क्या, भूखमरी, स्टीयरिंग। ठीक है, और टेम्परेचर को डाउन किया शीतलक के द्वारा तो टेम्परेचर डाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल करके क्या बंद करेंगे, आग को बुझाएंगे। तो ऑक्सीजन निकालने का मतलब क्या, स्मूथरिंग, मतलब हवा को रोकना। जब हम हवा को रोक देंगे, आग को हवा मिलेगी नहीं, हवा नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो स्मूथरिंग कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन से क्या हो रहा है, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कहीं पर आग जल रही है, कहीं पर लकड़ी उकड़ी है, यहाँ पर ढेर सारी आग लगी हुई, आग जल रही है, आप इस पर क्या करो, इस पर जो है फोम के साथ एक कंबल को लेकर के ढक दो, उस पर बालू सालू, बालू वगैरह डाल दो। ठीक है, आपने क्या कंबल ढक दिया, जब इसको नहीं होता भिगे हुए कंबल से भी ढक देते हैं, जब कंबल से ढकोगे इस आग को तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, मतलब हवा मिलना बंद हो जाएगा। जब हवा मिलना बंद होगा तो यह आग बुझ जाएगी। इसका मतलब कंबलिंग का मतलब कंबल डाल देना। जब हम फोम के साथ किसी आग पे कंबल डाल रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जा रहा है और आग बुझ जा रही है। और मैंने बताया जब ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, मतलब हवा मिलनी बंद होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब आग बुझाने के लिए जो हमने कंबल डाला तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ था, जब ऑक्सीजन के द्वारा आग बुझाई जाती है उसे हटा करके तो उसको स्मूथरिंग बोला जाता है। और जब फ्यूल को हटा करके आग बुझाई जाती है तो स्टीयरिंग बोलते हैं, जब टेम्परेचर को डाउन करके आग बुझाई जाती है तो उसे कूलिंग बोलते हैं, शीतलक बोलते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है हीटिंग, तो भाई ये तो इससे कभी आग बुझेगी नहीं, इसका तो कोई सोचना ही नहीं है। भाई कहीं पर आग लगी हुई है, आप उसको जा करके और हीट कर रहे हो तो क्या उसे आग बुझेगी, उससे तो आग और भड़क जाएगी ना।
ये तो वही बात हो गई कि कोई मान लीजिए नाराज है, दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और आपको भेजा जाए कि यार जरा जाना उनको, उन दोनों लोगों में समझौता करा दो, देखो दो लोग आपस में नाराज है और आप गए उनके पास, दूसरे वाले के पास गए, जाके बैठ रहे यार आप यहाँ बैठे हुए हो तो बाहर जाके बोल रहा है कि मैंने 2 घंटे आप दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा वहाँ पे, उन दोनों के बीच समझौता होने के बजाय और भड़क जाएगा आदमी कि अरे ऐसा बोल रहे थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आग को बुझाना है और आप उल्टा उसे हीट दे रहे हो, हीट दोगे तो क्या होगा, वो आग और भड़क जाएगी, तो इससे तो आग हमारी बुझेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, नेक्स्ट चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखने के जो कैबिनेट बनाते हैं वो किसका बनाया जाता है, तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, हार्ड रबर है, शीट मेटल है, तो हमारे शीट मेटल के बॉक्स बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, शीट मेटल के बॉक्स बनाए जाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शीट मेटल, धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है, देखिए मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, पीछे का क्वेश्चन देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया ना कि कौन सा है वार्निंग साइन बोर्ड, चेतावनी वाला जो हमें चेतावनी देगा, वार्निंग देगा, किस आकृति का होगा, ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार का, जो मैंने बताया कि वहां बिजली के खंभों पे लगा रहता है त्रिभुज के आकार का, उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, उस पर जो साइन बना होता है वह ब्लैक कलर से बना होता है, और षटकोणीय होता ही नहीं है। गोलाकार किसका है, तो अनिवार्य वाले का भी है, निषेधात्मक वाले का भी है, और स्क्वायर वाला तो ये हमारा इंफॉर्मेशन वाले का है, स्क्वायर या आयताकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया, अग्नि की किस श्रेणी में, मैंने बताया क्लास ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा होता है, क्लास बी में लिक्विड होता है, पेट्रोलियम होता है, क्लास सी में गैस होता है, तरल द्रव वगैरह, और क्लास डी में क्या होता है, क्लास डी में हमारा बिजली होती है और मेटल होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ धातु को पूछा है, मेटल को पूछा है, धातु मतलब मेटल, इंग्लिश वाला देखेगा इन्वॉल्विंग मेटल, कौन से वाले में मेटल को इन्वॉल्व किया गया है, तो क्लास डी है जिसमें हम मेटल को और इलेक्ट्रिक को दोनों को रखते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। फिर अगर बिजली के झटके से किसी व्यक्ति की इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, पानी उपलब्ध कराएंगे, किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग जाता है, बिजली करंट लग जाता है, तो आप अपने साथ सोचिए भाई पानी उपलब्ध कराएंगे, कौन सा आप स्टेप उठाओगे, या पीड़ित को ठंडा रखें, भाई पीड़ित को ठंडा तो करने दोगे भाई, पता चला उसे बिजली का झटका लगा उसे ले जाकर फ्रिज में रख दे उसे ठंडा कर दो, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, आप लाके पानी फेंक दो, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। फिर पीड़ित को कोट से ढक दें, भाई पीड़ित को कोट से ढक दोगे तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी ना, जबकि उसे झटका लगा हुआ है, तो आप उसे क्या करोगे, कहीं खुले स्थान पे कहीं ऐसी जगह रखोगे जिससे कि सही से उसको वातावरण में हवा मिल सके और वो अच्छे से सांस ले सके, तो ऑप्शन डी देखिए, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाए, भाई जब झटका लगेगा तो आप उसे ना तो कोट से ढकोगे उससे सांस लेने में दिक्कत होगी, और ना ही ठंडा रखोगे, भाई उस ठंडा करने वाली चीज तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएंगे जिससे कि उसे सांस लेने में आसानी हो और उसे कुछ राहत मिल सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद हिसाब से हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, आप किसी भी ट्रेड को हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले बच्चों को जरूर बताएं कि क्लासेज अब शुरू हो गई है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, थैंक यू।